शिवाय नमस्तुभ्यम। कंगाल होने की ये गलती अगर आपने भी करी है तो जिंदगी में कितना भी पुण्य करोगे उसका फल नहीं है। आज की कथा को लिखकर रखना, शायद तुम्हारी जिंदगी सवर जाए। लिंग पुराण में 7 गलतियां बताई है व्यक्ति को बर्बाद होने की। पहली गलती है, उसमें से अगर आप स्वीकार कर रहे हैं ये गलती तो समझ लो कि गलती आपने करी है। गंगा जल तो बुलवाया टैंकर भरकर, 21,000 बेल पत्र भी समर्पित कर रहे हो। आप मंदिर के अंदर बैठ गए, दर्शन करने वाला आता रहा, किसी को अंदर प्रवेश नहीं दिया। आप गंगा जल चढ़ाते रहे, आप बेलपत्र चढ़ाते रहे, आप स्वयं पूजन करते रहे और दूसरा व्यक्ति ना जाने किस भाव से किस रूप में आकर भगवान की सेवा करना चाहता था, पंडित जी ने आपके चक्कर में उसको जल नहीं चढ़ाने दिया, पंडित जी ने आपके चक्कर में उसको बेलपत्र नहीं चढ़ाने दिया। पहली गलती यह हो गई कि भगवान के भक्त को भगवान से दूर कर दिया गया। अब उठा लो श्रीमद् भागवत कथा, 2 देवताओं ने गलती करी थी। एक ब्रह्मा जी ने गलती करी थी कि गाय बछड़ों का हरण कर लिया था। 1 वर्ष होने में 1 दिन था तब ब्रह्मा जी ने गाय बछड़े वापस दिए थे। दूसरी गलती इंद्र ने करी थी, जल वृष्टि करी तब भगवान कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा। दोनों देवताओं ने गलती करी पर भगवान कृष्ण ने इंद्र को क्षमा कर दिया पर ब्रह्मा को क्षमा नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि इंद्र को क्षमा इसलिए करा क्योंकि इंद्र ने जब जलवृष्टि करी तो सारे ब्रजवासियों को भगवान के चरणों में लाकर छोड़ दिया। सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर बैठ गए, भगवान के चरणों में आ गए। और ब्रह्मा ने जो गलती करी वो ऐसी गलती करी कि भगवान से गाय और बछड़ों को दूर कर दिया। जो भगवान से भगत को दूर कर दे उसको शंकर कभी क्षमा नहीं कर सकता। इसलिए बर्बादी का पहला कारण आप भक्त और भगवान में दूरी बना दी। दूसरा कारण, भगवान की जब पूजन कर रहे हो, 21,000 बेलपत्र चढ़ा रहे हो, गंगा का जल चढ़ा रहे हो, चंदन चढ़ा रहे हो, अभीर चढ़ा रहे हो, गुलाल चढ़ा रहे हो, तो तुम्हारे भीतर ये अहंकार, जब तुम पूजन करके उठो तो उठते समय तुम्हारे भीतर अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैंने जो अनुष्ठान करा उसके बराबर कोई नहीं कर सकता। तीसरा कारण कहा कि भगवान की सेवा तो आप कर रहे हो, भगवान की चाकरी में तो आप लगे हो, भगवान की आराधना भी कर रहे हो, दिया भी लगा रहे हो, धूप बत्ती भी लगा रहे हो, स्नान भी करा रहे हो, पंचामृत स्नान भी करा रहे हो, सारी पूजन अर्चना सब तुम कर रहे हो, पर हो सकता है इस पूजन अर्चना में आप केवल 3 घंटा पूजन करते हो और बाकी के समय किसी न किसी की जीवात्मा को दुख पहुंचा रहे हो। एक कथा में एक बात कही थी कि भले मंदिर में दिया मत लगाओ, भले मंदिर में जाकर धूप बत्ती मत जलाओ, भले मंदिर में जाकर भोग मत लगाओ, भले मंदिर में जाकर जल मत चढ़ाओ, कुछ मत करो, भले भगवान को नए कपड़े मत पहनाओ, भले तुम्हारी मर्जी पड़े भगवान को भोग मत लगाओ, पर शास्त्र कहता है कुछ मत करो पर एक काम जरूर करना कि किसी के चेहरे पर प्रसन्नता ला देना तो मंदिर में दिया जलाने के बराबर होगा, किसी के चेहरे पर चमक ला देना, प्रसन्नता ला देना तो अगरबत्ती लगाने के बराबर होगा, किसी गरीबड़े के किसी दुखी के चेहरे पर अगर तुमने प्रसन्नता ला दी तो वो भगवान को कपड़े पहनाने के बराबर होगा। मालूम पड़े तुम मंदिर में पूरी सब्जी बांटो, मंदिर में भोजन कराओ, मंदिर में सारा पकवान चढ़ाओ और कोई तुम्हारे कारण अगर दुखी है तो तुम्हें वो सुख का भान नहीं हो सकता। तीसरा कारण है हमारा, वो सुख नहीं मिल सकता। चौथा कारण है, महाराज जिस मंत्र को पढ़ा जा रहा है, जिस मंत्र का स्मरण किया जा रहा है, जिस भगवान की माला को हम जप रहे हैं, हम पाठ कर रहे हैं, उसमें त्रुटि। उठा लीजिए दुर्गा सप्तशती,
दुर्गा सप्तशती का हिंदी अनुवाद में थोड़ा सा दृष्टांत दिया है, आपको मालूम होगा। एक जजमान सप्तशती का पाठ कराते थे नवरात्रे में। नवरात्रे पूरे होते थे और उनकी पत्नी मर जाती थी। सप्तशती के अंदर लिखा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ कराते थे और पत्नी नवरात्रे के बाद 4 महीना 3 महीने के बाद मर जाती थी। बहुत दुखी था सेठ। एक शादी करी, दूसरी करी, तीसरी करी, चौथी करी, चौथी पत्नी भी मर गई। बहुत दुख हुआ। आज वो गुरुजी के पास चले गया। गुरुदेव, गुरुजी, गुरुदेव, गुरुदेव। गुरुजी बोले, क्या हो गया सेठ जी, बहुत दिनों के बाद आ रहे हो, क्या बात है? गुरुदेव, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि मैं नवरात्रे में सप्तशती का पाठ कराता हूं, देवी जी का यज्ञ करवाता हूं, माता रानी को चूनर पहनाता हूं, उनको सुंदर बिछुड़ी, पायल, चुनरी सब पहनाता हूं, कन्याओं का भोजन करवाता हूं, भंडारा करवाता हूं, जवारे बोता हूं, अखंड ज्योत लगाता हूं, पर नवरात्रि जैसी पूरी होती है उसके 2 महीने 3 महीने बाद मेरी पत्नी क्यों मर जाती है? 4 पत्नियां मेरी मर चुकी हैं, 5वीं मैंने शादी करी है। गुरुदेव, आप कृपा करिएगा, कुछ तो बता दीजिए, कुछ करुणा कर दीजिए। गुरुजी बोले, जब तू सब कुछ अच्छा कर रहा है, जोत भी जला रहा है, कन्या भोज भी करा रहा है, चुनरी भी चढ़ा रहा है, भंडारा भी कर रहा है, जोत भी लगा रहा है, जवारे भी बो रहा है, माता रानी की सेवा भी कर रहा है, अखंड रात्रि व्रत कर रहा है, सब कुछ तूने करा, यज्ञ भी करा, फिर तेरी पत्नी क्यों मर सकती है? ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं गुरुदेव, मेरी 5वीं शादी है। गुरुदेव, अब की बार आप कृपा करिए। गुरुजी ने कहा, तेरे पंडित जी को अनुष्ठान पर बुला, मैं कमरे में बैठकर सुनूंगा सप्तशती का पाठ, तब मैं ध्यान करूंगा। गुरुजी अंदर के कमरे में जाकर बैठ गए, ब्राह्मण पाठ करना प्रारंभ करा और ब्राह्मण ने पाठ करना प्रारंभ करा, उसमें एक शब्द आ गया, भार्यंतु वक्षन्तु, भार्यंतु वक्षन्तु। उसमें बोलना था भय पीड़ा को, हे जगत जननी तू भक्षण कर जा, पर ब्राह्मण बोलता था भार्या तू भक्षण, तू मेरी दी पत्नी को, मेरी भार्या को तू भक्षण कर दे। पंडित जी जैसे ही बोले, गुरु जी बाहर निकल कर आ गए। पंडित जी को रोका, रुकिए गुरुदेव, आप हर साल अनुष्ठान कर रहे हो जजमान के यहां और बोल देते हो भार्या तू भक्षण तू, हे देवी तू मेरी पत्नी को खा जा, तो माँ हर बार उस पत्नी को निगल जाती है। निवेदन है, शब्द सुधार लीजिए, शब्द ठीक है। चौथा कारण है कि आप जो पाठ कर रहे हो, आप जो पूजन कर रहे हो, आप जो अनुष्ठान कर रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ गलती जरूर हो रही है। ये चौथा कारण है। एक बार पूरे घर के लोगों को बिठाओ, अपने घर के लोगों को, मम्मी से पूछना, मम्मी तुम कौन कौन सा पाठ करती हो? एक बार मम्मी से पूछना, फिर एक बार पापा से पूछना, पापा आप कौन कौन सा पाठ करते हो सुबह? फिर बहू से पूछना, भाभी आप कौन कौन सा पाठ करती हो? फिर छोटी दुल्हन से पूछना, छोटी दुल्हन तुम कौन कौन सा पाठ करती हो? भैया आप कौन कौन सा पाठ करते हो? आप कौन कौन सा पाठ करते हो? पूछना। जब घर के अंदर बड़ी बहू अलग तरह का पाठ कर रही है, छोटी बहू अलग तरह का पाठ कर रही है, मंजली बहू अलग तरह का पाठ कर रही है, माँ अलग तरह का पाठ कर रही है, पति अलग तरह का पाठ कर रहा है, तो उसका जो प्रभाव है, कौन सी चीज कहाँ टकरा रही है जिसके कारण घर में रोग इतना है कि कोई सही होने वाला ही नहीं है। अब तुम कहो कि सीवर वाले गुरुजी ने उपाय बताया, हमने बहुत करा, पर सही क्यों? तो सही क्यों नहीं हो रहा है, उसका कारण है या तो बड़ी बहू जो पाठ कर रही, या सास जो पाठ कर रही, या पति जो पाठ कर रहा है, नाते जो भी उस घर के अंदर रहकर जो पाठ अर्चना कर रहा है, उसमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसके कारण वो काम नहीं कर पा रहा,
उसमें कुछ ना कुछ गलती हो रही है जिसको तुम समझ नहीं पा रहे, जिसको तुम अपने आप को बहुत विचार करते हो कि मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता, मैं शंकर की भगत, मैं राम की भगत, मैं कृष्ण की भगत, मैं जो करती हूँ बहुत अच्छा करती हूँ, मैंने जो किया बहुत अच्छा करा, और हो सकता है उसी कारण आपको दुख झेलना पड़ रहा। उसी महाराज, हमने जो दान किया, हमने जो पुण्य किया, हमने जो सत्कर्म किया, वो किस जगह पर लगा? पांचवा सूत्र, जो आप दान कर रहे हो, जो आप पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, वो किस जगह पर लगा? ये पांचवा सूत्र। फिर निवेदन करेंगे गाय, बेटी और लक्ष्मी। 50 बार विचार करना तब किसी को देना। बेटी किसी ऐसे को मत ब्याह देना जो जुआ खेलता हो, मदिरा पान करता हो, मांसाहार करता हो, वेश्यावृत्ति करता हो, वो बेटी का सम्मान नहीं करेगा। बेटी रोएगी तो कन्यादान करने वाले को रोना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर गौ माता, गाय ऐसे ब्राह्मण को दान मत देना कि ब्राह्मण के घर में खुद रहने की जगह नहीं और गाय को ले जाकर तुमने दे दिया और उस ब्राह्मण ने जब तक दूध दिया बांध कर रखा, एक तगाड़ी बाल्टी साड़ी के चक्कर में ले लिया, सोने के सींग के चक्कर में ले लिया, और बाद में वही गाय कसाई के हाथ में बिक गई और कसाई ने काटा तो बद्दुआ तुमको लगी। बेटी, गाय और लक्ष्मी, पैसा भी किसी ऐसे भिखारी के कटोरे में मत दान देना कि जिसने ले जाकर मदिरा पान में लगा दिया, जुए में लगा दिया, वैश्यावृत्ति में लगा दिया। अगर जिस भिखारी के कटोरे में पैसा दिया उसने शाम को ले जाकर मदिरा पान में जुए में लगा दिया तो लक्ष्मी रोती है कि तूने मुझे गलत जगह पर दिया है इसलिए अब तुझे रोना पड़ेगा। तब व्यक्ति को रोना पड़ता है, फिर व्यक्ति रोता है। गाय, बेटी और लक्ष्मी, 50 बार विचार करो क्या सही जगह पर दे रहे हो, और अच्छी जगह पर दोगे तो संपदा भी बढ़ती है, सुख आता है। अगर बेटी सुखी रहेगी तो मायके के लोग सुखी रहेंगे, गौ माता सुखी रहेगी तो संसार सुखी रहेगा। और आपने जो धन दिया, आपने जो पैसा दिया किसी भिखारी के कटोरे में, अगर उसने गलत जगह पर लगाया तो रोना तुमको पड़ेगा। किसी आजकल के भिक्षुकों को अगर रोटी दे दो तो लेते नहीं, आटा दे तो नहीं लेते। पहले के समय में जो भिक्षुक आते थे ना तो रोटी बनी हुई मांगते थे। बूढ़ी बूढ़ी माताएं जानती होंगी, चिमटा बजाकर, घुंघरू बजाकर कहते थे भोजन, तो 2 रोटी निकाल कर दे दी जाती थी घर से, ले बाबा। तो माता इतना प्रेम रखती थी, केवल रोटी नहीं देती थी, बाबा बैठो हम सब्जी लाकर देते, इतना प्रेम था बुजुर्ग माताओं का, बैठो। और आज के जमाने में अगर रोटी दे दो तो फेंक दे नली में ले जाके, पैसा चाहिए, क्यों? शाम को पीने के लिए चाहिए ना, मदिरा पान के लिए, मांसाहार के लिए, जुए के लिए, वैश्यावृत्ति के लिए धन चाहिए। भोपाल के और इंदौर के, इंदौर का राजबाड़ा चोराया और भोपाल का लाल घाटी चोराया, इन दोनों चौराहे पर इतने इतने से बच्चे लोग भीख मांगते हैं, और उनकी माताएं और उनके पिता रोड के किनारे पर चिलम लगाते बैठे रहते हैं, पांव लंबे करके पड़े हैं, और ये कमा कमा के उनको दे रहे हैं, और धन्य हैं ऐसे लोग जो उनको दान भी दे देते हैं। जिसको जरूरत है उस तक कुछ नहीं पहुंचता। अभी भी 4-6 महीने लॉकडाउन चला, जिसको जरूरत थी एक एक रोटी की उस तक कुछ नहीं पहुंचा, और जिसके पास में पहले से भरा हुआ था उसने और ले जाके भर लिया। जिसको जरूरत थी उस तक नहीं पहुंचा। अभी ठंड आ रही है, बहुत सारी संस्थाएं कम्बल बांटेगी, रेलवे स्टेशन पे लोगों को कम्बल ओढ़ा रहे हैं,
कोई सो रहा है जमीन पर उसको कम्बल ओढ़ा रहा है, बस स्टैंड पे चले गए कोई रोड पे सो रहा है कम्बल ओढ़ा रहा है, तो इतना बड़ा नाम चलेगा कि उन्होंने कम्बल ओढ़ा है, कम्बल ओढ़ा है, कम्बल ओढ़ा है। और वो कम्बल जिसको ओढ़ाया वो दूसरे दिन जाकर कपड़े की दुकान पर बेच के आ गया, 200 रुपए ले आया, रात को पीकर फिर सो गया, क्योंकि फिर कहीं कहा आएगा, फिर उड़ा के चले जाएगा, क्योंकि इन्होंने तो ये करके रखा है कि नाम कमाना है तो कम्बल उड़ाए जाओ। जिसको जरूरत है वहां तक सामान नहीं पहुंचता भाई, जिसको जरूरत है वहां तक सामग्री नहीं पहुंचती भाई। आपने दिया और उन्होंने ले जाकर बेच दिया और फिर सोचते हो कि मैंने तो पुण्य करा है। कई लोग कहते हैं मैंने दान करा मेरे को इतना फल मिलेगा। काय का दान करा, ऊपर तो जाए यमराज के डंडे पड़ेंगे। रेल में, ट्रेन में आप बैठ जाओ, रिजर्वेशन कोच में छोटे छोटे लड़के आते हैं, अपना कपड़ा उतारते हैं। सही बोलना रे भाई, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, छोटे छोटे बच्चे अपना कपड़ा उतारेंगे और पोछा लगाएंगे रेल की बोगी में। जब गवर्नमेंट ने स्वीपर रख रखे हैं तो तुम्हें अंदर आने का किसने कहा? कौन ने कहा कि तुम अपना कपड़ा उतार के पोछा लगाओ? और वो अपने शरीर का कपड़ा उतार कर पोछा लगाता है, आपके आगे हाथ फैलाता है, आप एक एक दो दो रुपए दे देते हो, वो अगले स्टेशन पर उतरता है, कोई सूंघने की सामग्री लेता है, सूंघ सूंघ के वो बर्बाद हो जाता है और कहीं कूद कर मर जाता है। उसके मरने में 1 रुपया तुम्हारा भी लगा है, इसलिए नरक तुमको भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि उसके मरने में तुमने हेल्प करी है। तुमने तो रुपया दिया था भोजन करने के लिए, उसने कोई सूंघने की सामग्री ले ली और सूंघ सूंघ के नशे में मर गया। उसके मरने में 2 रुपए तुम्हारे हैं, 1 रुपए तुम्हारा है, तो भोगना तो तुमको भी पड़ेगा ना। कहीं अच्छी जगह लगाओ, सत्कर्म की ओर लगाओ, तो सुख का आनंद कुछ और ही होगा, सुख का आनंद कुछ और ही प्राप्त। हमारा धर्म, हमारा पुण्य, हमारा सत्कर्म। पांचवा कारण अपनी पुस्तिका में लिखकर रखना, तुम्हारे दुख का पांचवा कारण क्या है, क्यों तुम करोड़पति से रोड़पति बन गए। तुम्हारे यहां पर चार चार पांच पांच गाड़ी थी, खूब वैभव था, खूब धन था, फैक्ट्रियां चल रही थी, सत्ताएं चल रही थी, खूब सत्ताएं थी, खूब वैभव था, खूब धन था, पर कुछ भी नहीं, सब धरा की धरा रह गई, सारा कोई वैभव बचा ही नहीं, कोई वैभव नहीं। एक हमारे सेंधवा के भगत हैं महाराज, बड़े भावपूर्ण भगत, वो कहे गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, बड़े कष्ट में। हमने कहा कष्ट का कारण कुछ ना कुछ जरूर होगा, दुख का कारण जरूर कुछ ना कुछ होता है। कहने लगे गुरुजी हमारी तो जीनिंग चलती थी, खूब फैक्ट्रियां चलती थी, इतना जीनिंग फैक्ट्रियां थी, इतना चलता था, इतनी जीनिंग चलती थी, इतनी फैक्ट्रियां चलती थी, गुरुदेव बहुत दुखी हो गए। हमने कहा दुख का कारण जो ये 7 कारण है शिव महापुराण के, लिंग पुराण में जो 7 कारण बताए हैं दुख आने के, जब फैक्ट्रियां अच्छी चल रही, जीनिंग अच्छी चल रही, व्यापार अच्छा चल रहा है, तो 7 कारण बताए हैं कि आप उन 7 कारण में से कोई कारण आपके साथ में हुआ है जिसके कारण आप रोड पर आ गए, करोड़पति से रोड़पति बन गए। कभी कभी नगर में, गांव में सभी का व्यापार एक साथ समाप्त हो जाता है, कभी कभी, कभी कभी गांव में, नगर में सबका व्यापार एक साथ समाप्त हो जाता है, सबका व्यापार एक साथ ही खल्लास हो जाता है, समाप्त, सभी कर्जे में हो जाते हैं। तो समझ लेना
कि उस गांव के खेड़े का देव महादेव, उस गांव का खेड़ापति भगवान शंकर, उस गांव का शिव जरूर रुष्ट हुआ है, जरूर रुष्ट। उसको मनाने का प्रयास करो जिससे अपनी नगर, अपना गांव फिर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाए। पांचवा कारण मंत्र जाप को, अर्थात तुम्हारा फिर निवेदन, गाय बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करना तब देना, नहीं तो मत दे, मत दीजिए। और महाराज भगवान शिव की कथा का छठा कारण बता, हमारे दुख का कारण छठा, छठा कारण आदर सम्मान में कमी। घर के जो बड़े हैं, घर के जो बुजुर्ग हैं, घर के जो आदरणीय हैं, उनका सम्मान नहीं कर पाए। सुंदर कहा, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती उस घर में देखना कभी बरकत नहीं। छठा कारण है सम्मान सत्कार आदर ना हो। जब धन, सातवा कारण ये अंतिम कारण है, जितने लोग कर्जे में लदालू में, जितने लोग दुखी हैं, जितने लोग तकलीफ में, आज की कथा को बहुत दिल से सुनना, अपनी गलती को जरूर छांटना। मुझे विश्वास है मेरा भोलेनाथ, आप अगर गलती को स्वीकार कर लोगे तो शंकर वापिस आपको करोड़पति बना देगा, लखपति बना देगा, शंकर आपके भंडार फिर भर देगा। सात कारण में से अपनी गलती को जरूर छांटना साहब कि आपने गलती कौन सी करी, और अपनी गलती को छांट ले यही सबसे बड़ी बात है ना, लोग सुनने के बाद भी नहीं छांटेंगे, नहीं मैंने तो कुछ करा ही, मैं तो कुछ करी नहीं, बस वो मैं ही तो है, हरि जगदम्बा वो मैं ही फंसा है बीच में। सातवां कारण महाराज, किसी का बेकार धन हमारे घर में आ जाए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज नीचे दिए लाल बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ घंटी के बटन को भी दबाना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक बटन दबा दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।